कपड़े पर नेट लगाया जाए, लेकिन आप सभी व्यापारी इकट्ठा होकर रोहतक से हमारे सर्वश्रेष्ठ विधायक श्री बसराज जी के नेतृत्व में भी व्यापारी गए थे और भारी मात्रा में आप सभी इकट्ठे होकर जीवन चंडीगढ़ पहुंचे। एक सप्ताह के भीतर भीतर चौधरी भूपेंद्र जी उठाने का आधार कोई टैक्स नहीं लगेगा कपड़े पर और उस टैक्स को पूरे आम लगा था भारी मंडियों में कोई भी अवसर नहीं आएगा। मेरी जिम्मेवारी है और दोस्तों कोई इंस्पेक्टर नहीं आया, अब जीएसटी लगा कर इन्होंने क्या कर दिया, जबकि आजादी से बाद से नहीं था पर फिर भी जीएसटी लागू। एक कपड़ा व्यापारी इतना पढ़ा लिखा नहीं है जो कि एक ही काम करता रहे, पहले आप 10 तारीख को अपनी स्थिति बताओ, 15 तारीख को अपनी स्थिति बताओ, 20 तारीख को अपना बैलेंस शो दो। भाई इतने पढ़े लिखे नहीं, अनूठा टाइप व्यापारी है, इसमें छोटा स्लैब भी है व्यापारी का, बड़ा स्लैब भी है व्यापारी का। एक तरफ तो सरकार कहती है हम देश के बेरोजगारी हटा देंगे और दूसरी तरफ